हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पर। हरियाणा वासियों को मिलेगा 883 करोड़ की नई रेल लाइन का तोहफा। दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप अब हमसे जुड़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। DPR रेडी फॉर न्यू हरियाणा रेलवे लाइन। GT बेल्ट के लोगों को खास तोहफा सरकार की ओर से दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए नई रेलवे लाइन का निर्माण कराया जा रहा है, इसके निर्माण से करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा। दशकों से चली आ रही यमुनानगर करनाल रेलवे लाइन की मांग को मंजूरी हो गई है। इस रेलवे लाइन से जिले के करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा। साथ ही दामला और रादौर में रेलवे स्टेशन बनने से रोजगार करीब 7,000 यात्रियों को आगमन करने का अनुमान है। रेलवे हरियाणा अवसंरचना विकास निगम ने 883.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस DPR को अंतिम रूप दिया है। यह परियोजना प्रोजेक्ट 4 साल की अवधि में पूरा होगा। प्रस्तावित करनाल यमुनानगर नई रेलवे लाइन दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर करनाल रेलवे स्टेशन के पास से शुरू होगी और अम्बाला सहारनपुर रेलवे लाइन पर मौजूदा जगह धरी वर्कशॉप रेलवे स्टेशन से जुड़ेगी। यह रेल लाइन पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए एक फीडर मार्ग के रूप में कार्य करेगी, जिसमें यमुनानगर से सटे कालानोर स्टेशन पर रेलवे के साथ इंटरचेंज पॉइंट प्रस्तावित है। इससे हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ आदि के उद्योगों को देश के पूर्वी हिस्से का सामने भिजवाना काफ़ी आसान होगा जाएगा। इंद्री, लाडवा और रादौर से ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उपज, प्लाईवुड एवं लकड़ी, औद्योगिक उत्पाद, धातु, उद्योग उर्वरकों आदि के लिए बाजार तक त्वरित पहुंचाना सुनिश्चित हो पाएगा। इसके अलावा ये परियोजना हरियाणा के दक्षिणी एवं पश्चिमी हिस्सों को सीधे हरिद्वार से जोड़ेगी। 61 किलोमीटर में 116 पुल बनेंगे। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड व रेलवे के 61 किलोमीटर लंबे इस संयुक्त प्रोजेक्ट पर DPR के अनुमान लगभग 883 करोड़ रुपये का खर्च होगा। ये भी पूरी लाइन इलेक्ट्रिक आधारित होगी। इसके लिए सरकार ने रेलवे को 574.98 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके देगी। इस रास्ते में नहर, नाले व सड़कों को क्रॉस करने के लिए लगभग 116 पुल बनाए जाएंगे। यहाँ से होकर गुजरेगी ये रेलवे लाइन। प्रस्तावित नई रेल लाइन अम्बाला सहारनपुर रेलवे लाइन के जगह धरी वर्कशॉप रेलवे स्टेशन में शुरू होकर दिल्ली अम्बाला रेल लाइन पर करनाल व भैनी खुर्द रेलवे स्टेशन पर दोनों लाइनों को जोड़ेगी। इस लाइन पर जगह धीरा वर्कशॉप के बाद दामला व रादौर दो स्टेशन यमुनानगर जिले में और लाडवा स्टेशन कुरुक्षेत्र जिले में होगा, जबकि करनाल जिले में इंद्री और रंभा रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। नई रेल लाइन बनने के बाद से रेल द्वारा हरियाणा के अन्य जिलों में जाना आसान हो जाएगा। अभी अम्बाला होकर जाना पड़ता है। अभी करनाल पानीपत की तरफ जाने के लिए सिर्फ रोडवेज की बसें एकमात्र विकल्प है। व्यापारियों को होगा लाभ। फेस विनर के उद्योगपति संजय सिंह का कहना है कि अभी ट्रकों से माल ढुलाई होती है, इसके बाद ट्रेन चलने से बहुत ही फायदा होगा। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें।